आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का बर्थडे स्टेटस कैसे बना सकते हो अपने कैपकट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कैपकट ओपन कर लेना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है और यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो पे जाके फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी। यहाँ पर मैंने अपनी कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने एंडिंग को डिलीट कर देना है और यहाँ से आपने इफेक्ट पे चले जाना है और वीडियो इफेक्ट पे चले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लव पे चले जाना है। यहाँ लव पे जाने के बाद बीटिंग हार्ट वाला इफेक्ट लगा लेना है और इसे पहले वाली क्लिप पे लगाना है, आगे नहीं लगाना। उसके बाद आपने ओवरले पे चले जाना है। उसके बाद एड ओवरले पे चले जाना है। यहाँ से आपने हैप्पी बर्थडे वाली PNG उठा लेनी है जो कि आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने इसे एंड तक ले आना है अपने वीडियो के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे एंड पर भी लिया है अपनी वीडियो के। और उसके बाद आपने यहाँ पर आपने ट्रांजिशन लगाना है। यहाँ पर आपने इधर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देन एंड नाउ वाला ट्रांजिशन लगा लेना है कुछ इस तरह से। और इसे अभी बाद में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने इसे अप्लाई टू ऑल पे कर लेना है। तो अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी ये क्लिप्स अभी कितनी अच्छी लग रही है, यह आप देख सकते हैं। और अभी आपने यहाँ वापस से ओवरले पे आ जाना है, ऐड ओवरले पे आ जाना है। और इसके बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना और यहाँ से लगा लेना। तो अभी आप देख सकते हैं ये वीडियो बहुत बढ़िया है। मैं इसे 3 सेकंड से रखना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप जितना भी रखना चाहें आप अपने हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसे पीछे ले आऊँगा थोड़ा, और अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इसका ग्रीन स्क्रीन भी कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं इसे जो है 2 फिंगर के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रोमा की पे आपने आ जाना है और आप PNG का भी इस तरह ही रिमूव करेंगे, ठीक है ना। और क्रोमा की पे आ जाना है और यहाँ से कलर पिक कर लेना है और इनसे इंटेंसिटी ज़्यादा कर लेनी तो आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ अब, ठीक है। और अभी आप, मैं इसका पहले वॉल्यूम ऑफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसे प्ले करके भी दिखाता हूँ। मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ कर लिया क्योंकि मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ये कितनी अच्छी लग रही है, तो भी आप ये देख सकते हैं। तो आप इससे अपना व्हाट्सअप का बर्थडे स्टेटस भी बना सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट रखना चाहें रख सकते हैं। मैं 960 वाला फॉर्मेट रख रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पर 1080p पे क्लिक करके 4K पे आ जाना है। मतलब आप जिस भी क्वालिटी में इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ ऊपर क्लिक करके आपने इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अभी हमारी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।